सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सी सी एस यू एम एस यू की बी एड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। इस सब्जेक्ट की है सिक्स क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आकलन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट का ही नाम है, ध्यान देना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आकलन का क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, ये सब हम इस क्लास में कवर करेंगे। असेसमेंट क्या होता है, देखो हमने बी एड फर्स्ट ईयर में भी तीन चीज़ें पढ़ी थी, मापन, आकलन, मूल्यांकन, तीनों आपने पढ़ी होंगी। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इन तीनों के द्वारा हम बच्चों का टेस्ट वगैरह लेते हैं, उन्हें नंबर वगैरह देते हैं, उन्हें पास फेल करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है, इसे ही हम आकलन, मापन और मूल्यांकन तीनों नाम से जानते हैं। लेकिन इन तीनों में हल्का सा फर्क होता है, उस फर्क को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखो आकलन क्या होता है, हमने पहले मापन पढ़ लिया है, शैक्षिक मापन पढ़ लिया है। तो शैक्षिक मापन में हम क्या करते हैं, बच्चों की बहुत सी विशेषताओं का मापन करते हैं और उन्हें कोई संख्यात्मक अंक या फिर कोई अपना प्रतीक प्रदान कर देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बच्चों का ज्ञान, बच्चों का किसी विषय में उपलब्धि, उनकी बच्चों की रुचि, बच्चों की योग्यता, बच्चों की क्षमता, बच्चों की उपलब्धियां, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब का मापन करते हैं, इन्हें कोई प्रतीक या कोई अंक प्रदान कर देते हैं। ये क्या हुआ, शैक्षिक मापन हुआ। तो शैक्षिक मापन को आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, हम बच्चों का पेपर लेकर या टेस्ट लेकर उसे नंबर दे देते हैं बच्चों को। मान लेते हैं हमने बच्चों का मैथ का टेप पेपर लिया है, 50 में से नंबर देने हैं हमें, और उन बच्चों के नंबर आए, किसी के 10 आए, किसी के 12 आए, किसी के 20 आए, किसी के 40 आए, किसी के 45 आए। तो इस तरह से अलग अलग बच्चे के अलग अलग नंबर आएंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मापन कहेंगे, शैक्षिक मापन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि मापन में हम क्या करते हैं, किसी बच्चे की किसी विशेषता को मापते हैं और उसे कोई इकाई अंक या संख्यात्मक अंक प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पर भी तो हमने यही किया है कि बच्चे की विशेषताओं का मापन किया है और उन्हें संख्यात्मक अंक प्रदान कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमारा मापन हुआ। अब देखो मापन से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं हमें, उन्हें का बारे में हमें अंदाजा मारना पड़ता है, उनके बारे में हमें उन्हें आंकना पड़ता है, हमें मतलब उनका अर्थ निकालना पड़ता है। जैसे अगर किसी बच्चे के 50 में से 10 नंबर आए हैं तो उसका क्या अर्थ है, हमें इसका अर्थ निकालना पड़ेगा कि 50 में से 10 नंबर आए हैं तो इसका मतलब है कि वह बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मैथ में उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसे हम फेल कर देते हैं। अर्थ ही तो निकाल रहे हैं हम, किसी बच्चे के 50 में से 45 नंबर आए हैं इसका क्या अर्थ है। तो 50 में से 45 आए हैं तो बच्चे को ज़्यादातर सवाल आते हैं, मतलब बच्चे को ज़्यादातर मैथ की नॉलेज है, तो बच्चा इंटेलिजेंट है, तो उसे हम डिस्टिंक्शन देंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे। तो इसी तरह से तो हम करते हैं। तो ये जो अर्थ निकाल रहे हैं, इस अर्थ निकालने को ही हम बोलते हैं आकलन। आकलन का मतलब आंक रहे हैं हम, जो ये नंबर आए हैं, जो ये आंकड़े आए हैं मापन के पश्चात, इनका जो अर्थ है उसे आंक रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हम आकलन कह देते हैं। तो पेपर लेकर नंबर देना, ये तो मापन हुआ। नंबरों का अर्थ निकालना, उनका प्रयोग करना, उनके आधार पर फैल पास करना बच्चों को, ये सब क्या होता है, आकलन होता है। तो मापन के बिना आकलन नहीं हो सकता, और आकलन के द्वारा ही हम बच्चों को फैल पास कर सकते हैं या नंबरों का एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों की। अब समझ पाए होंगे आप मापन आकलन क्या होता है। तो शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा छात्रों की उपलब्धियों आदि का सही सही पता लगाया जाता है। शैक्षिक मापन जो होता है वो एक गुणात्मक मापन होता है। इसमें हम ऐसी विशेषताओं का मापन करते हैं बच्चों की, जिन्हें हम पूर्ण रूप से ठीक ठीक नहीं माप सकते, जैसे बच्चों की योग्यता, बच्चों का ज्ञान, उनकी उपलब्धि, उनके कौशल, उनकी प्रतिभा, उनकी रुचियां आदि। इन विशेषताओं का अवलोकन कर, उनको देख कर, परख कर, उन्हें समझ कर, हम उन्हें कोई प्रतीक प्रदान कर देते हैं या कोई संख्यात्मक अंक प्रदान कर देते हैं। जैसे हमने बच्चों की मैथ की योग्यताओं को जांचा और उसके बाद उन्हें अपने अकॉर्डिंग एक संख्यात्मक अंक प्रदान कर दिया। शैक्षिक मापन से जो ये प्राप्त आंकड़े होते हैं, ये जो संख्यात्मक अंक होते हैं, ये स्पष्ट नहीं होते, हमें इन आंकड़ों का अर्थ निकालना पड़ता है। किसी बच्चे के 10 नंबर आए हैं, किसी के 20 हैं, इनका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये आंकड़े हमसे, और अनुमान लगाना पड़ता है कि बच्चों को उस विशेषता का कितना ज्ञान है, उस सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है, या जो आंकड़े हमारे पास आए हैं जिस विशेषता के, वह विशेषता बच्चों की कैसी होगी। तो वो अंदाजा मारना पड़ता है हमें, आंकना, अंकन आंकना पड़ता है हमें, इसे आकलन बोल देते हैं।
इसी प्रक्रिया को हम आकलन कह देते हैं। अतः शैक्षिक मापन से प्राप्त आंकड़ों का सीधा सीधा जो हम अर्थ निकालते हैं उसे आकलन कह देते हैं। जैसे किसी बच्चे के गणित में 100 में से 40 नंबर आए हैं, अब इन अंकों का अर्थ निकालना कि बच्चे को कितना ज्ञान है, उसे फेल करना चाहिए या पास करना चाहिए, उसे कौन सी श्रेणी देनी चाहिए, इन अंकों के आधार पर इनका क्या अर्थ निकलता है उसके आधार पर, तो वो सब हम आकलन कहते हैं उसे। हम वॉलेस लार्सन क्या एल्क्सनीन के अनुसार, ये तीन नाम है, तीनों आप पढ़ लेना, कोई दूसरी डेफिनेशन आपको वहाँ पर बुक वगैरह मिल जाए तो कोई दूसरी डेफिनेशन आप पढ़ लेना, लेकिन ये इनकी डेफिनेशन अच्छी है, तो अच्छी डेफिनेशन हमें पेपर में देनी होती है, तो अच्छी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। आकलन से क्या तात्पर्य है, किसी व्यक्ति समूह के बारे में सूचना ग्रहण करना, उनका विश्लेषण करना, उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया से आकलन का अर्थ, जिससे व्यक्ति के बारे में अनुदेशनात्मक, निर्देशात्मक और प्रशासनिक निर्णय लिए जा सके। तो किसी व्यक्ति के बारे में हम सूचना ग्रहण कर रहे हैं, उनका अर्थ निकाल रहे हैं, वो आकलन है, उसके तहत हम उसके बारे में निर्णय लेते हैं कि पास करें, फेल करें, क्या करें, तो ये अच्छी परिभाषा है आकलन की इनके द्वारा जो दी गई है। अब एक उदाहरण समझिए, उससे आप अच्छे समझ पाएंगे आकलन क्या होता है। हम किसी बच्चे का IQ टेस्ट ले लेते हैं, या किसी भी विधि के द्वारा बच्चे की क्रिएटिविटी की जांच कर लेते हैं, या बच्चे की उपलब्धि परीक्षण ले लेते हैं, या बच्चे की हम नॉलेज की जांच कर लेते हैं, किसी सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज है, ये सब क्या, ये तो मापन है, शैक्षिक मापन जिसे हम कह देते हैं, बच्चे की किसी भी विशेषता को जांचना मापन होता है। मापन के बाद हम या तो उसे कोई संख्यात्मक अंक दे देंगे कि आपके इतने नंबर आए, या अपने अकॉर्डिंग कोई प्रतीक दे देंगे, जो भी हम देना चाहें उसे। तो ये क्या हुआ, मापन हुआ, शैक्षिक मापन। शैक्षिक मापन के बाद हमें आंकड़े मिल जाएंगे, किस तरह के आंकड़े मिलेंगे कि बच्चों का IQ इतना 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 है, बच्चों की गणित में उपलब्धि इतनी 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 है, बच्चों की जो सृजनात्मकता है वो इतनी 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 लेवल की है, तो ये सब आंकड़े मिलेंगे। अब इन आंकड़ों का हम अर्थ निकालेंगे, उस प्रक्रिया को आकलन कहेंगे। हम अर्थ निकालेंगे, किसी बच्चे का IQ 120 है, उसका क्या अर्थ है, अब 120 IQ हमें कहकर चले गए, उसका क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा इंटेलिजेंट है भाई, बच्चे को ज़्यादा नॉलेज है, 120 उसका IQ है। तो किसी बच्चे के मैथ में 90 नंबर आए हैं 100 में से, अब उसका क्या अर्थ है, बच्चा इंटेलिजेंट है। तो ये सब चीज़ें हम जो अर्थ निकालते हैं, इस प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। हम आकलन में क्या क्या कार्य करते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं नंबरों का, आंकड़ों का, परिणामों का, कि बच्चे को कितना ज्ञान है, बच्चे को फेल पास करेंगे उसके आधार पर हम ग्रेड देंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे, ये सब आकलन कहलाता है। जैसे कम नंबर आए तो बच्चे को ज्ञान नहीं है, बच्चा फेल कर दिया हमने, ज़्यादा नंबर आए हमने समझा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बच्चे को फर्स्ट डिविजन दे दी, ये सब करना आकलन कहलाता है। अब देखो, आकलन के प्रतिमान या आकलन के प्रकार भी कुछ होते हैं। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। तो आकलन के ये चार मुख्य प्रतिमान होते हैं, चार मुख्य प्रकार होते हैं। इसमें से पहले दो इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये ज़्यादा आते हैं, सीधा सीधा सा पूछ लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में कि अधिगम के लिए आकलन या अधिगम का आकलन, इनमें अर्थ बता दीजिए, इनमें अंतर बता दीजिए, दोनों का अर्थ बता दीजिए, इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब सबसे पहले तरीके की बात करते हैं, आप आकलन का जो पैटर्न होता है, सबसे पहला वो होता है अधिगम के लिए आकलन, जिसे हम अधिगम हेतु आकलन भी कह देते हैं, क्योंकि के लिए का मतलब हेतु ही होता है, ये आपके लिए है, ये आपके हेतु है, मतलब तो वही हुआ। तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम हेतु आकलन, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखो, आकलन क्या होता है, बच्चों के बारे में कुछ आंकड़े प्राप्त कर उनका अर्थ निकालते हैं हम, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चों को उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, यही तो आकलन है, ये तो समझ ही गए होंगे आप। अब देखो, जब आप क्लास लेने जाते हैं तो जाने के बाद आप क्लासरूम में बच्चों का आकलन करते हैं, उससे पता चलता है कि बच्चों के पास प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उस प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और पढ़ाते टाइम आप बच्चों का आकलन करते रहते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो क्लासरूम के दौरान जो आप आकलन करते हैं वो अधिगम के लिए आकलन होता है। इस आकलन का क्या उद्देश्य होता है, आप बच्चों की करंट नॉलेज जानना चाहते हैं, बच्चों के पास करंट कितनी नॉलेज है, और उसमें तुरंत इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी टीचिंग में। बच्चों के पास जो नॉलेज है वो आप करंट नॉलेज को जानना चाहते हैं और तुरंत अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं आप, इसे हम कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, बच्चे उसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं अलग बात है वो, तो बच्चों से क्वेश्चन आंसर आप करते हैं और उसके बाद तुरंत अपने टीचिंग को इम्प्रूव कर लेते हैं कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो तुरंत आप इम्प्रूव कर लेंगे, उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे अधिगम के लिए आकलन।
मतलब जो अधिगम हम बच्चों को करा रहे हैं उसके लिए आकलन कर रहे हैं, हम उस अधिगम के लिए आकलन। तो देखो, जब आप क्लासरूम में आते हैं, आने के बाद बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए आप बच्चों को आकलन करते हैं, बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। इससे आपको पता चलता है कि बच्चों के पास इतनी नॉलेज है, अब आपको ऐसे पढ़ाना है। तो ये क्या हुआ, ये अधिगम के लिए आकलन हुआ, क्योंकि आपने अपनी टीचिंग में तुरंत इम्प्रूवमेंट कर लिया। एक तो आप क्लासरूम में तुरंत आने के बाद जो आकलन करते हैं वो अधिगम के लिए आकलन होगा। फिर आप जब पढ़ाने लगते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते भी आप बच्चों का आकलन करते रहते हैं बीच बीच में, ये जानने के लिए कि क्या बच्चे उस टॉपिक को समझ रहे हैं जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, या बच्चे टॉपिक को समझ ही नहीं रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी टीचिंग में इम्प्रूव कर लेते हैं, उसे भी हम अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। तो पढ़ाने से पहले या पढ़ाते टाइम जो आप आकलन करते हैं उस आकलन को हम अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं, क्लासरूम में आने के बाद, पढ़ाने से पहले और पढ़ाते टाइम, पढ़ाने के दौरान जो आप आकलन करेंगे वो अधिगम के लिए आकलन होगा। अब अधिगम के लिए आकलन में हम बच्चों को फैल पास नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम अपने टीचिंग में तुरंत इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। अधिगम के लिए आकलन का हमारा क्या उद्देश्य है कि हमारी जो टीचिंग है उसमें हम तुरंत इम्प्रूव कर लेंगे, तुरंत उसे सुधार लेंगे, ये हमारा उद्देश्य होता है। इसमें हम बच्चों को नंबर नहीं देते, बच्चों को फेल पास नहीं करते, बस अपनी वास्तविक स्थिति को जांचते हैं। अधिगम के लिए आकलन के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों का अवलोकन कर सकते हैं, बच्चे कैसा काम कर रहे हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्हें कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, वस्तु निर्माण करने के लिए कोई छोटा मोटा कार्य दे सकते हैं, आप सारे टाइप में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चों के जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों को पढ़ सकते हैं, रेटिंग स्केल वगैरह आदि का यूज कर सकते हैं। ये सब तरीके हैं जिनका यूज करके हम अधिगम के लिए आकलन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अधिगम का आकलन। अब देखो, आपने पढ़ा लिया है, मान लेते हैं आप जो पढ़ाना चाहते हैं आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा लिया, या आपने वो टॉपिक पढ़ा लिया, आपने वो पाठ पढ़ा लिया है। अब आपने वो पाठ पढ़ा लिया है, अब पाठ पढ़ाने के बाद आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों ने उस पाठ में से कितना सीख लिया है, या जो आपने पढ़ाया है वो कितना प्रभावी रहा है, कितने उद्देश्य आपके प्राप्त हो गए हैं, और भविष्य में आप क्या तैयारी अपनी करेंगे उस पाठ को पढ़ाने की या दूसरे पाठ को पढ़ाने की। तो इस आकलन को हम कहते हैं अधिगम का आकलन, मतलब जो अधिगम आपने बच्चों को करा दिया है उसका आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये फॉर नहीं है, ऑफ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, वो टेस्ट वगैरह जो आप किसी यूनिट के बाद, किसी उसके टॉपिक के पढ़ाने के बाद, किसी पाठ को पढ़ाने के बाद, या 6 महीने में, या 1 साल में जो टेस्ट या पेपर बच्चों का लेते हैं हम, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, अधिगम का आकलन। तो अधिगम का आकलन क्या होता है, पाठ को पढ़ाने के बाद जब आप बच्चों का आकलन करते हैं उस आकलन को हम अधिगम का आकलन कहते हैं। अब उस आकलन के द्वारा हम ये नहीं करते कि अपनी टीचिंग में इम्प्रूव करें, उस आकलन का उद्देश्य हमारा ये होता है, हम ये जानना चाहते हैं जो हमने पढ़ाया है वो कितना प्रभावी रहा है, बच्चों ने कितना उसमें से सीख लिया है, उसके आधार पर हम आगे भविष्य की तैयारी करेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं कि शिक्षण कार्य समाप्त हो गया, हमारा सत्र समाप्त हो गया, या फिर हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है, उसके बाद टीचर ये जानता है कि उसका शिक्षण कार्य कितना प्रभावी रहा, उसके लिए वो जो आकलन करता है बच्चों का, उसे हम कहते हैं अधिगम का आकलन। अब अधिगम के आकलन में हम कब कब करते हैं, पाठ की समाप्ति पर कर सकते हैं, इकाई की समाप्ति पर कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, साल के लास्ट में कर सकते हैं। तो इस आकलन के द्वारा हम ये पता करते हैं जो हमने अपनी शिक्षण नीति अपनाई थी, या शिक्षण विधि का प्रयोग किया है, या जो हमने शिक्षण कराया है वो कितना सफल रहा है, वो कितना प्रभावी रहा है। इसके द्वारा हम बच्चों को ग्रेड भी देते हैं, नंबर भी देते हैं, और उन्हें फैल पास भी कर देते हैं। तो जो अधिगम का आकलन होता है वो योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति का होता है। अधिगम के आकलन में हम निम्न क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, पाठ के लास्ट में टेस्ट ले लेते हैं बच्चों से, कोई छमाई टेस्ट ले लेते हैं, यूनिट टेस्ट ले लेते हैं, छमाई पेपर होते हैं हमारे, सेशनल एग्जाम, या साल के लास्ट में पेपर होते हैं, ये सब हमारे अधिगम का आकलन ही होता है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम में आकलन। अब देखो, जब आप पढ़ रहे होते हैं और आपका टीचर पढ़ा रहा होता है, कभी कभी आपका टीचर क्या करता है, उसी टाइम आपका आकलन कर लेता है। टीचर मैथ का क्वेश्चन बोर्ड पर सोल्व कर रहा है तो बच्चों से पूछता रहता है 3 गुना 2, इससे नीचे लाइन में क्या लिखेंगे हम, 6, यहाँ पर क्या आएगा वो, तो टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते टाइम ही वो बच्चों का रिस्पॉन्स देख रहा है, बच्चे कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अंदाज़ा लगा लेगा कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। या फिर हिंदी का टीचर है तो बच्चों को हिंदी किताब दे देगा,
देखो बच्चों मैंने एक बार इसे पढ़ लिया इस चैप्टर को, अब आप पढ़ो, फिर बच्चे पढ़ेंगे उसे अपने अकॉर्डिंग, चाहे गलत पढ़े चाहे सही पढ़े, सब बच्चे पढ़ लेंगे। तो टीचर उसी से अंदाज़ा लगा लेगा जैसा बच्चों ने पढ़ाया है कि आप कितना समझे हैं, कितना आपको नॉलेज हो गई है। तो उसे कहते हैं हम अधिगम्य आकलन, मतलब सीखते सीखते टीचर आकलन कर लेता है। इसके लिए टीचर कोई विशेष क्वेश्चन वगैरह बच्चों से नहीं पूछता, बस जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसी के दौरान अपने आप ही बच्चों के बारे में टीचर एक अंदाज़ा लगा लेता है बच्चों को कितनी नॉलेज है, मतलब उनका आकलन कर लेता है। जैसे बच्चे जब पाठ पढ़ रहे होते हैं शिक्षक उनका अवलोकन कर लेता है और उनकी कमजोरी वगैरह का पता लगा लेता है। तो इसमें हम छात्रों से कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछते, बिना कोई प्रश्न पूछे जो आकलन करते हैं हम, वो अधिगम में आकलन होता है। अब अधिगम के रूप में आकलन ये हम बच्चों को खुद ही कह देते हैं, हम बच्चों से कह देते हैं 10 क्वेश्चन है आप खुद कर लो इन्हें और देख लो आप पे क्या आता है, आप खुद पढ़ के देख लो ये ना उनके 10 क्वेश्चन है इन्हें खुद सोल्व करके देख लो। हम बच्चों से खुद कहते हैं आप ये खुद क्वेश्चन सोल्व कर लो और खुद देख लो तुम कितने समझदार हो, कितनी चीज़ें आप समझ गए हो। बच्चों को खुद स्वयं का आकलन करने के हम अवसर देते हैं इसके द्वारा। तो ये आज की हमारी क्लास थी आकलन क्या होता है। आई होप आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के आप सभी सब्जेक्ट के अगर पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो पेड नोट्स अवेलेबल हैं। ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको पेड नोट्स की बेहतर जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इजी लैंग्वेज में नोट्स लिखे हुए हैं, उन नोट्स को पढ़कर आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तभी आज की हमारी क्लास थी, आई होप इस क्लास को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।